हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स पीडिया में। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन 2016 का पेपर टू, दैट इज जहाँ पे हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और साथ ही में हमारे वर्ल्ड बैंक, IMF और इन फॉरेन एजेंसीज के भी कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं। उस पोर्शन से आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द पेपर ऑफ 2016। आप लोग इस पेपर को ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, UPSC का ऑफिशियल साइट, दैट इज upsc.gov.in। आप लोगों को साइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये कहा गया है टू टेल अस द डिस्टिंग्विश बिटवीन इनसाइड मनी एंड आउटसाइड मनी। तो ये जो दो तरीके के मनी है, दैट इज इनसाइड मनी एंड आउटसाइड मनी, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है यही पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 F, इनसाइड मनी वर्सेस वी हैव आउटसाइड मनी। ठीक है, अभी एक चीज आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि पैटर्न जो है वो थोड़ा बहुत हर एक साल में चेंज होता आ रहा है, बट वन थिंग इज दैट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पैटर्न में ओवर द लास्ट 10 ईयर्स आई कैन रिमेंबर कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, वर्ड्स लिमिट में चेंजेस आए हैं, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस आर मोस्टली 5 मार्क्स के रहते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम हॉल में हैं और आप लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है इन ऑर्डर टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया, व्हाट आर द बेसिक रूल्स, तो आप लोगों को शायद एग्जाम हॉल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स पीडिया हम लोग इन्हीं सारे छोटे छोटे चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं जो शायद आप लोग इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन मिस आउट कर जाते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स का इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ताकि आप लोग उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स तो ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं दे सकते हो, तो द नोट हैज़ टू बी क्रिस्प एंड गो ऑन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनसाइड मनी एंड आउटसाइड मनी, शुरू करेंगे इनसाइड मनी से। ओके, तो इनसाइड मनी जो है ये दिया जाता है, इट इज बीइंग गिवन बाय द प्राइवेट इंटरमीडियरीज। ठीक है, प्राइवेट इंटरमीडियरीज। अब प्राइवेट इंटरमीडियरीज की बात कर रहे हैं तो यहां पे कमर्शियल बैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, और ये जिस फॉर्म में ये मनी को लेट आउट करते हैं वो फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ डेट या क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेट और क्रेडिट। सो इनसाइड मनी इज मेनली गिवन आउट और प्रेस्क्राइब बाय द प्राइवेट इंटरमीडियरीज इन द फॉर्म ऑफ डेट। हियर द इनसाइड मनी, ये मेनली डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में दिया जाता है या तो फिर अन्य डिपॉजिटों के फॉर्म में दिया जाता है। गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ, या तो फिर अन्य फॉर्म ऑफ डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट्स। अब देखिए, चूंकि हम लोग डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट या तो फिर अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये डिपॉजिट्स मिलके क्या होते हैं, दिस फॉर्म्स द मनी सप्लाई, अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो इसीलिए इनसाइड मनी को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। MS लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट स्टैंड फॉर द मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जो डेफिनेशन तो है ही, डेफिनेशन के साथ साथ क्राइटेरिया भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब एक और चीज
यहाँ पे इनसाइड मनी की जब बात किया जाता है, बेसिकली एन एसेट टू द डिपॉजिटर, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में दिया जा रहा है, सो इट इज एन एसेट टू द डिपॉजिटर। साथ ही में ये लायबिलिटीज भी है ऑफ द बैंक। तो इनसाइड मनी इज एसेट टू द डिपॉजिटर एज वेल एज इट कोइंसाइड्स विद द लायबिलिटी ऑफ बैंक। शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं, लायबिलिटीज ऑफ बैंक। तो अगर ये दोनों चीज साथ में हो रहा है कि एसेट ऑफ द डिपॉजिटर एंड साथ ही में लायबिलिटी ऑफ द बैंक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ मनी इज नथिंग बट द इनसाइड मनी। ओके, तो इसी के साथ हम लोग एक और चीज कह सकते हैं कि इनसाइड मनी इज दस अ लायबिलिटी। अब जो हम लोग नेक्स्ट आउटसाइड मनी में देखेंगे कि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। सो इनसाइड मनी, हियर वी हैव that it is a part of liability, and so it is a liability, और साथ ही में इसका जो net amount है that is always zero. Net amount inside money, so one is liability and the other one is net amount of asset. Demand deposit से आ रहा है, so यहाँ पे net amount of asset associated with the inside money is zero. Associated with inside money is zero. तो यहाँ पे net amount जो है वो भी zero है. अब एक और चीज यहाँ पे interestingly हम लोग ये देख सकते हैं कि inside money यानी कि अगर हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी में देखें तो जितने भी तरीके का मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द इनसाइड मनी। सो इनसाइड मनी इज मोस्टली सीन इन द मॉडर्न इकोनॉमी, राइट? सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स फॉर द इनसाइड मनी, और जो पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग आउटसाइड मनी से अगर कंपेयर करें एंड देख सकते हैं कि दोनों कितने एक दूसरे में अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड मनी। ये क्या है आउटसाइड मनी का मतलब क्या है, किस तरीके से आउटसाइड, क्या ये सिर्फ बैंक के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है या इन एन इकोनॉमी या इन अ कंट्री, तो किस हिसाब से आउटसाइड कहा जाता है, चलिए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव आउटसाइड मनी। पहली बात तो ये कि आउटसाइड मनी इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ द एनीवन बिलोंगिंग इनसाइड द इकोनॉमी। तो समझने की कोशिश कीजिए, इट इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ एनीवन इनसाइड द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो भी है, कॉन्फाइंड इन एन इकोनॉमी, दैट मीन्स हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उस कंट्री में जो जितने भी कन्फाइंड ये लोग हैं उनके लिए ये लायबिलिटीज नहीं है। तो लायबिलिटीज किन लोगों के लिए है, इट इज फॉर द आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स कौन है ये देखिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आता है कि यहाँ पे जो आउटसाइड मनी को जिस तरीके से होल्ड किया जाता है, इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव अमाउंट। जो हम लोगों ने देखा था नेट पॉजिटिव अमाउंट में यहाँ पे आउटसाइड मनी को होल्ड किया जाता है। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो इनसाइड मनी में हम लोगों ने देखा था इन द लास्ट पॉइंट कि जो नेट अमाउंट ऑफ द एसेट है एसोसिएटेड विद द इनसाइड मनी वॉज जीरो, यहाँ पे आउटसाइड मनी इज पॉजिटिव। सो नेट अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट हेल्ड in इस तरीके से फ्रेम करते हैं, इट इज हेल्ड इन नेट पॉजिटिव अमाउंट।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आउटसाइड माने किसी भी इनसाइड लोगों के लिए वो लायबिलिटीज नहीं है और ये हमेशा पॉजिटिव अमाउंट में होल्ड करना जरूरी है या होल्ड किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कोई भी तरीके का फॉरेन एसेट हो सकता है या तो फिर फॉरेन डेट हो सकता है। फॉरेन डेट यानी कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ठीक है। तो ये सारे चीज मिला के हम लोग फॉरेन डेट या तो फिर फॉरेन एसेट्स को हम लोग ये आउटसाइड मनी में कंसिडर करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ओ एक और चीज कि हम लोग फॉरेन मनी को मतलब आउटसाइड मनी को सॉरी सो आउटसाइड मनी को हम लोग गोल्ड के तौर पे भी प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी बैक्ड अप बाय गोल्ड और एनी अदर फॉर्म ऑफ फॉरेन डेट। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा, राइट। सो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ द आउटसाइड मनी, राइट। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं आफ्टर दिस टू डिस्कशंस कि टिपिकली प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट इंटरमीडियरीज हमेशा इनसाइड मनी के साथ एसोसिएटेड है। तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी ट्रांजैक्शन किया जाता है दैट कम्स अंडर द आउटसाइड मनी। सो प्राइवेट इज एसोसिएटेड विद द इनसाइड मनी और गवर्नमेंट का जितना सारा भी ट्रांजैक्शंस है तो वो सारे मनीज को हम लोग आउटसाइड मनी में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प और छोटे में इंफॉर्मेटिव वे में द आंसर हैज बीन रिटन या डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड कॉन्स्टेंट भी रहता है, नंबर ऑफ वर्ड लिमिट। तो फॉर 5 मार्क्स अभी का जो रिसेंट 2019 की अगर हम लोग बात करें तो अभी द फॉर्मेट इज 1 मार्क्स के क्वेश्चन का, आपका वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। तो ये जो डिस्कशन था पूरे क्वेश्चन का, दिस इज विद इन 100 वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है विद द आंसर्स रिटन इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म। आई होप इस आंसर से आपका हेल्प हुआ होगा और अगर आपको इस आंसर से रिलेटेड या किसी भी अन्य पेपर ऑफ द IES या अन्य इकोनॉमिक क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो प्लीज हमें बताइए बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।